जेफ केलर साहब ने प्रोफेशन बदल दिया, सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हुए, आगे जाके 20 साल तक आज वो मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, करीबन कम से कम 200 प्लस कंट्रियों में आज वो घूमते हैं और अच्छे खासे किताब लिखे हैं जो जबरदस्त पब्लिश हुए और हॉट सेलर्स हैं। रैन लोवे साहब सेम चीज सेम उदाहरण, जैक कैंपिन साहब सेम उदाहरण, परिवर्तित फ्रस्ट्रेशन उनको परिवर्तित कर देता है, अपने अपने करियर्स को भी अपने को चेंज करना पड़ता है। वीआरएस मिलने के बाद मिस्टर पटवर्धन करके मेरे शागिर्द दोस्त थे, वोल्टास में जो रिटायरमेंट मिलने नहीं पड़े, नॉट वीआरएस, सीआरएस मिला, कैंटीन चलाने को दिया बीकेसी में एक कंपनी में, 3-4 साल का अनुभव आने के बाद पुणे में एक होटल चलाया, आज उस होटल के मालिक है और कम से कम 7वां होटल डालने के काम पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कम से कम 7-8 साल से। मुझे बुलाते हैं जब भी, अभी भी मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ और उनका मोटिवेशन जो स्पीच है, जो मोटिवेशनल उनका तौर तरीका है, मैं उनसे मेरे से काफी बुजुर्ग हूँ। एक्सेप्टेंस टू द स्टेप्स ऑफ कमिटमेंट, यस आई विल डू इट, मैं ये करके ही जाऊं, मैं ये करूंगा ही, मैं मेरी कंपनी को परिवर्तित करके रहूंगा, मैं उस मकाम को हासिल करूंगा, मैं नए मार्केट को एक्सप्लोर करूंगा। कुछ भी करने की क्षमता, कैन डू एटीट्यूड, यस मैं ये करूंगा ही, अचीव करूंगा ही। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होते, एडवर्टाइजिंग कंपनी डालनी है नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं होंगे एडवर्टाइजिंग कंपनी डालने के लिए? क्या अच्युत पालो एक दिन में बना होगा? नहीं बना होगा। शाहरुख खान एक दिन में बना होगा? नहीं बना होगा। क्या उसको तकलीफ नहीं आई होंगी? आई होंगी। क्या अमिताभ बच्चन साहब बैंकरप्ट नहीं थे? जेफ केलर जिन्होंने एटीट्यूड के ऊपर आज कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस की है, उनके कुछ किताब मैंने पढ़े हैं, वो एक लॉयर थे, लॉयर, अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी साहब की, लड़का लड़की थी, वाइफ वाज आल्सो फैंटास्टिक करी वर्किंग वुमन, थिंग्स वर सेट, अच्छा सब कुछ चल रहा, बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कुछ कर दिखाने की जो अंदर कमिटमेंट बैठी हुई थी उसको कहीं पे कुछ रास्ता नहीं मिला। एक दिन रास्ता मिल गया, एक कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनको बुला लिया स्पीच देने के लिए, उनका कोई बंदा था, उन्होंने देखा कि यार बंदा बात तो जबरदस्त कर रहा है, तो मैं क्यों ना मेरी कंपनी में बुला लूं, डोर्स विल ओपन, ग्रूमिंग गुरु मीट करने की बात हो रही है। मेरे को भी एक धक्का लग गया सुबह सुबह, पर शाम को कुछ 5:30 बजे मेरे को चंद्रशेखर डिलक साहब का फोन आया, बोले यार केदार भाई मैं अटक गया हूँ और यार तेरी ये ग्रूमिंग ग्रूमिट में आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने इमीडिएटली स्नेहल दीक्षित को फोन लगाया जो उतनी एक्सपर्ट है और उससे भी अच्छी एक्सपर्ट मुझे मिल गई, मनीषा जोशी नाम की, निमिषा जोशी उसका नाम है, शी इज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन गिनीज कंसेप्ट, गिनीज कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एट नरीमन। निमिषा जोशी इज अ वेरी क्लियर प्रैक्टिशनर ऑफ एसएमई टू आईपीओ कन्वर्सर, उसकी कंपनी का काम वही और वही डिप्यूटेशन उसके पास है। आपके जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंस के, टाइगर सेशन ओपन रखा है उसके साथ में, आप पूछ, आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। योर फ्रेंड्स, मैं रुका नहीं, थमा नहीं, नो टिलक, ग्रूमिंग ग्रूमिट इज ऑन, इट्स माय प्रॉमिस द ग्रूमिंग ग्रूमिट सेशन विल बी ऑन, इट्स माय प्रॉमिस ऑल 13 सेशंस विल बी ऑन। आज यहां पे लास्ट टाइम आई थिंक देयर वर बी 40, टुडे एटलीस्ट देयर आर 50-55 नंबर्स इन हियर। लाइफ विल टेस्ट यू, ये जाते हुए लाइफ विल टेस्ट यू। विंस्टन चर्चिल सेड नेवर 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 गिव अप, उन्होंने तो दूसरा महायुद्ध फेस कर लिया, अपने सैनिकों उन्होंने कहा नेवर 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 एंड नेवर गिव अप, आखिर में जय भी उनका युवा।
अपने डोंबिवली के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आर के बाजार एक ऐसा ही उदाहरण है जिन्होंने आज कम से कम 10 आउटलेट्स खड़े किए हैं। इंडस इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आज डबल डिजिट क्रोस के पोजीशन पे पहुंच गई है। एबिलिटी टू स्टे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, अब्राहम लिंकन साहब थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उनका चरित्र अगर मैं आपसे सामने बात करने लगूंगा तो पॉइंट वाइज मैं आपसे बात करूंगा और कम से कम रात को हम लोग 2 बजे तक बात करेंगे। अब्राहम लिंकन साहब ब्लैक और व्हाइट फेस किया, लॉन्ग डिस्टेंस घर जाने का कितनी बार उनके ऊपर नौबत आया, भाई मर गया, उनकी जो मम्मी थी बचपन में गुजर गई, स्टेप मदर ने उनको बड़ा किया, स्टेप मदर ने प्यार दिया, बड़ा होके भाई गुजर गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फादर एक्सपायर हो गए, इलेक्शन हार गए, पार्टनर ने धोखा दिया, कर्जे में डूब गए, पार्टनर छोड़कर भाग गया, भागने के बाद सारा कर्जा फेंक दिया, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन 3 बार हार गए, सीनेट का इलेक्शन हार गए, सीनेट का जनरल इलेक्शन बहुत सालों के बाद जीते और वहां से फिर वापस उनको बुरा दौर चालू हो गया। तब तक चालू हुआ जब तक उनको पार्टी से निकालने की भी नौबत आ गई, लेकिन फिर पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया, पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी को एक प्रेसिडेंट बनने की ताकत उन्होंने रखी। जेफ केलर साहब ने प्रोफेशन बदल दिया, सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हुए, आगे जाके 20 साल तक आज वो मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, करीबन कम से कम 200+ कंट्रियों में आज वो घूमते हैं और अच्छे खासे किताब लिखे हैं जो जबरदस्त पब्लिश हुए और हॉट सेलर्स हैं। रैन लोवे साहब सेम चीज सेम उदाहरण, जैक कैनफील्ड साहब सेम उदाहरण। परिवर्तित फ्रस्ट्रेशन उनको परिवर्तित कर देता है, अपने अपने करियर्स को भी अपने को चेंज करना पड़ता है। वीआरएस मिलने के बाद मिस्टर पटवर्धन करके मेरे शागिर दोस्त थे वोल्टास में, जो रिटायरमेंट ली मिलने नहीं पड़े, नॉट वीआरएस सीआरएस मिला। कैंटीन चलाने को लिया बीकेसी में एक कंपनी में, 3-4 साल का अनुभव आने के बाद पुणे में एक होटल चलाया, आज उस होटल के मालिक है और आज कम से कम 7वां होटल डालने की बात कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कम से कम 7-8 साल से। वो मुझे बुलाते हैं जब भी, तो कभी भी मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ और उनका मोटिवेशन जो स्पीच है, जो मोटिवेशनल उनका तौर तरीका है, मैं हमेशा उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे से काफी गुजर गए वो। एक्सेप्टेंस टू द स्टेप्स ऑफ कमिटमेंट, यस आई विल डू इट, मैं ये करके ही जाऊंगा, मैं ये करूंगा ही, मैं मेरी कंपनी को परिवर्तित करके रहूंगा, मैं उस मकाम को हासिल करूंगा, मैं नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करूंगा।